गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग लास्ट क्लास में देखा था टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को, अलग अलग रैंक्स में कैसे अरेंज हैं ऑर्गेनिज्म। इस क्लास में हम लोग इस पर्टिकुलर रैंक्स को डिटेल में एनालिसिस आइसोलेशन हुआ विद इन देयर ओन कैटेगरी, ठीक है। तो लेकिन अब इसमें एक गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग लास्ट क्लास में देखा था टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को, अलग अलग रैंक्स में कैसे अरेंज हैं ऑर्गेनिज्म। इस क्लास में हम लोग इस पर्टिकुलर रैंक्स को डिटेल में एनालिसिस करने वाले, स्टडी करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल द रैंक इन डिटेल। सो वी विल स्टार्ट विद द स्पीसीज व्हिच इज द लोएस्ट ऑफ द रैंक, लोएस्ट ऑफ द कैटेगरी, एंड वी विल मूव टूवर्ड्स एंड फाइनली द किंगडम व्हिच इज द हाईएस्ट ऑफ द रैंक। इन बिटवीन यू कैन सी द अदर ऑब्लिगेट कैटेगरीज व्हिच आर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिविजन, राइट। तो वी विल बिगिन विद द स्पीशीज। नाउ स्पीशीज में बी वन और टू विद इन अ जीनस एंड ऑफन दे कैन बी कोरिलेटेड विद वन और टू कैरेक्टरिस्टिक, ये आपस में एक या दो कैरेक्टरिस्टिक के साथ ये आपस में कोरिलेट कर सकते हैं, इधर मॉर्फोलॉजिकल ग्राउंड में और इधर रिप्रोडक्टिव ग्राउंड। यानी कि मॉर्फोलॉजिकल बात में अगर बोला जाए तो इफ यू कंपेयर मी एज अ ह्यूमन विद द अदर ह्यूमन, तो आपको मॉर्फोलॉजिकली सेम दिखेगा। आपको दिखेगा कि दोनों में बाइलेटरल सिमेट्री है, आपको दोनों में दिखेगा दोनों में लेग है, दोनों में ईयर्स है, दोनों में आईज है, ओके। एंड रिप्रोडक्टिवली अगर देखा जाए तो अ ह्यूमन विल ब्रीड विद अनदर ह्यूमन ऑल। आप कभी ये नहीं देखने वाले हो कि अ डॉग इज मेटिंग विद अ फीमेल कैट, अ डॉग विल ऑलवेज मेट विद अ फीमेल डॉग ऑल, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म में एक यूनिक जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक है, यूनिक जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक, एंड दे आर आइसोलेटेड। एज आई सेड कि आप जो है मेल डॉग फीमेल डॉग के साथ ही मेट करेगा, दे विल मेट विद अ फीमेल डॉग वाली, दे वुड मेट विद अ फीमेल कैट। तो ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा विद इन देयर ओन कैटेगरी, ठीक है। तो लेकिन अब इसमें एक लिमिटेशन दिखा। लिमिटेशन क्या कि ऑफन हाइब्रिड दिखाई, तो हम लोग स्पीसीज को सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिसाइड नहीं कर सकते, हमें और भी कंसिडरेशन करना है। जैसे कि मैंने ऊपर कहा ना यूनिक जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। यूनिक जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, मेरा जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा एज अ ह्यूमन, दिस नंबर ऑफ क्रोमोजोम वोंट बी देयर इन अ डॉग, इट वोंट बी देयर इन अ कैट और एनी अदर ऑर्गन। सिमिलरली डॉग का जितना नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा वोंट बी इक्वल विद दैट ऑफ अ कैट और लायन और एनी अदर स्पीसी, ठीक है, उसका वो यूनिक होगा, राइट। तो हम लोग एक लिमिटेशन देख लिए कि हाइब्रिड हो सकते हैं। हाइब्रिड जैसे कि आप देख सकते हो म्यूल रहेगा, डोंकी होंगे, ये क्या है, इधर अ मेल डोंकी और अ फीमेल हॉर्स एंड दे आर मेटिंग विथ ईच अदर प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। तो ये आप क्या देख रहे हो कि दे आर ब्रेकिंग द मैकेनिकल, फिजियोलॉजिकल और एनी ऑफ द ज्योग्राफिकल बैरियर। तो यहाँ पे हाइब्रिड के जरिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि दे आर ब्रेकिंग डाउन द मैकेनिकल, फिजियोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल और सीजनल बैरियर। तो हाइब्रिड जो है वो, क्योंकि हम लोग ये कंसिडर करके चलते हैं ना कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, तो यहाँ पे जब हाइब्रिड बोला जा रहा है मतलब क्या कि वो सर्टेन एक जो बैरियर है वो बैरियर को कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा है, तभी तो वो एक आउटकम निकल के आ रहा है। नाउ आई वोंट कंसिडर
कंट्री लाइक जहाँ पे देखा गया कि पर्सन मीटिंग विद अ डोंकी, तो वहां दैट इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, दे आर एक्चुअली साइकोलॉजिकली समथिंग वेंट रॉन्ग विद इन देयर ब्रेन, दैट्स व्हाई यू कैन सी सच एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे हम साइंस की बात करेंगे तो हाइब्रिड इज ऑब्जर्व, तो ये एक लिमिटेशन हुआ, हम लोग सिर्फ रिप्रोडक्शन के आधार पे स्पीशीज को अलग एक कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। देन हम लोग देखते हैं अभी, जैसे कि अगर मैंने कहा म्यूल, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल म्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे म्यूल। ठीक है, म्यूल रिप्रोडक्टिवली क्या होता है, स्टेराइल है, ये देखा गया। ठीक है, तो ये म्यूल क्या है, ये मेल मेल डोंकी एंड फीमेल और, कैसे याद रखेंगे, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने कहा था निमोनिक्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो आप देख सकते हो एम फॉर म्यूल है, एम फॉर मेल हो गया, देन ये वर्ड ई से एंड होता है, हॉर्स भी जो है ई से एंड होता है, और मैंने इसको अरेंज ही मेल और फीमेल के तौर से किया, तो इजी टू रिमेंबर दैट मेल डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स विल रिजल्ट इन टू म्यूल। सिमिलरली व्हेन आई से हिमी व्हिच इज अगेन स्टेराइल, तो यहाँ पे मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी देखा जाता है। फाइन, देन टाइगॉन, टाइगॉन के केस में देखा गया है कि ये फर्टाइल है, कुछ और भी फीचर्स रहे हैं बट वी विल कंसिडर दिस थिंग ऑन टाइगॉन। तो इस केस में क्या है, मेल टाइगर प्लस फीमेल लायन, इजी टू रिमेंबर, टी आई टाइगर, ओके, एंड लायन का लास्ट का ओ एन, ओके, देन डी में लाइगर, लाइगर भी देखा गया क्या है, दे आर फर्टाइल, दे आर फर्टाइल, इस केस में क्या होगा, मेल लायन एंड फीमेल टाइगर। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये सब एग्जाम्पल है जो इस रिप्रोडक्टिव बैरियर को तोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक लिमिटेशन है कि सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के आधार पे हम स्पीशीज को सेपरेट आउट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, देन देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट, इन प्रोकैरियोट देन इन सम प्रोटिस्ट एंड इन फॉसिल्स। ओके, तो ये सब कुछ कुछ बातें हम लोगों ने देखा जो कि लिमिटेशन कहीं ना कहीं कॉज कर रहा है। ओके, तो हम लोग अब ये कह सकते हैं कि सिर्फ रिप्रोडक्शन के आधार पे स्पीशीज को सेपरेट आउट नहीं कर सकते, देन फिर क्या करेंगे, देन वी आर गोइंग टू कंसिडर अदर फीचर्स ऑल्सो, लाइक क्या कर सकते हैं, वी कैन, व्हाट वी कैन डू, वी विल कंसिडर सर्टेन फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस, ओके, देन वी कैन ऑल्सो कंसिडर साइटोटॉक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी। तो इन ऑर्गेनिजम्स के केस में कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन, तो इन ऑर्गेनिजम्स के केस में वी कैन कंसीडर द फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस, दो अलग अलग प्रोकैरियोट में क्या फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, राइट, देन हम लोग और क्या कर सकते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी, तो ऑफन ऑर्गेनिजम्स में सेल के डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है,
तो हम लोग इन सेलुलर डिफरेंसेस के आधार पे जब हम ऑर्गेनिज्म को सेपरेट आउट करेंगे तो वी विल कॉल इट एज साइटोटैक्सोनॉमी एंड द कीमोटैक्सोनॉमी। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म जो यूनिक केमिकल रिलीज आउट करते हैं, और इस केमिकल के बेसिस में जब हम ऑर्गेनिज्म को एक सेपरेट आउट करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, तो वी विल से इट एज अ कीमोटैक्सोनॉमी। तो जो ऑर्गेनिज्म में ये देखा जा रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, तो उनमें हम लोग कैसे सब स्पीशीज को डिफर आउट करें या स्पीशीज को कैटेगराइज करें, तो उसके केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जेनेटिक कंसिडरेशन को देखेंगे, हम लोग उसके फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस को कंसिडर करेंगे, कीमोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, इन सब के बेसिस में देन वी विल प्रोड्यूस सर्टेन कंक्लूजन अबाउट द स्पीशीज। Fine. अब हम लोग देखेंगे क्या स्पीशीज कैन बी अगेन डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरी। ओके, हाउ इट कैन बी डिवाइडेड, इट कैन बी एक स्पीशीज के अंदर मोनोटाइपिक स्पीशीज अवेलेबल होगा या फिर पॉलीटाइपिक स्पीशीज होगा। ठीक है, यानी कि जब मोनोटाइपिक स्पीशीज का बात करेंगे तो एक जीनस के अंदर सिर्फ एक स्पीशीज अवेलेबल होगा। जैसे कि केस एग्जाम्पल ले लो ह्यूमन, एग्जाम्पल कंसिडर करें तो क्या होगा ह्यूमन के केस में। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन के जीनस के अंदर सिर्फ एक टाइप की स्पीशीज अवेलेबल है, लेकिन वहीं अगर जब एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज अवेलेबल है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे पॉलीटाइपिक स्पीशीज। एग्जांपल क्या होगा, बहुत सारे हो सकते, क्रो हो सकता है, एग्जांपल मैंने क्रो ले लिया। ठीक है ना, पॉलीटाइपिक स्पीशीज। लेट अस नाउ कंसिडर द सब स्पीशीज। मैंने कहा था ना स्पीशीज के अंदर एक माइनर रैंक होता है, लोअर रैंक होता है, और उसको हम लोग क्या कहेंगे, We call it as subspecies or varieties and races. ठीक है, subspecies, varieties and races. तो ध्यान दीजिए ये क्या है, it is a category inferior to species, यानी ये जो सब स्पीसीज है ये इंफीरियर है, स्पीसीज से निचले रैंक में। ठीक है, इट इज अ कैटेगरी इंफीरियर टू स्पीसीज। फाइन, देन याद रखिए जो जियोलॉजिस्ट लोग है ना, जियोलॉजिस्ट यूज दिस टर्म सब स्पीसीज। ओके, जियोलॉजिस्ट विल यूज दिस टर्म सब स्पीसीज, वेयर एज द बॉटनिस्ट विल यूज द टर्म वराइटी। द बॉटनिस्ट विल यूज द टर्म वराइटीज। सो द बॉटनिस्ट विल यूज द वराइटी टर्म, वेयर एज द सब स्पीसीज टर्म इज यूज बाय द जियोलॉजिस्ट। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। नाउ Let us consider some example. Example देंगे तो और concept clear होगा। Let us consider an example of a crow. ठीक है, तो crow का जो scientific name है वो क्या है, वो है Corvus splendens। सर सबका scientific name याद करना पड़ेगा। Yes, you should. There is no alternative. सब चीज का। Yes, at least the most commonest organism, common organism like crow, sparrow, ये वैसे organisms के नाम को आपको याद रखना पड़ेगा जो आप daily life में देखते हो, like cow, buffalo, wheat, rice, brinjal, potato, ये सब common है जो आप अपने day to day life में देखते हो, और इनका use होता है, exams में भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, that is the reason I have given a task also previously. So Corvus splendens, splendens, तो ये Corvus splendens, splendens क्या है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये Corvus क्या है, ये जीनस है, splendens क्या है, ये स्पीसीज है, और एक बार जो splendens लिख दिए तो ये हो गया सब स्पीसीज। फाइन, इज दैट क्लियर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ इंडियन क्रो। तो आज के बाद जब आप लोग छत में जाओगे अपने पेरेंट्स के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ,
और वहां कौवा दिख गया तो आप लोग बड़े एक्साइटेड के एक्साइटमेंट के साथ कहना वो देखो कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस बैठा होगा। क्लियर? उससे क्या होगा बायोलॉजी भी याद कर लोगे, ठीक है ना, और सामने वाले को भी समझ में नहीं आएगा कि आप क्या बोलो। सर सिर्फ इंडियन क्रो को ये बोलते हैं। हाँ सिर्फ इंडियन क्रो को कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस कहेंगे, राइट? और दूसरा कंट्री का क्रो को अब बता रहे कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस, कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस, ठीक है। यहां पे भी जो कॉर्वस है ये क्या है जीनस है, स्प्लेंडेंस जो है स्पीसीज है, और इंसोलेंस क्या है सब स्पीसीज है। तो ये किन को कहेंगे, ये कहेंगे बर्मिश क्रो को। तो अगर कभी घूमते घूमते बर्मा पहुंच गए, अब बर्मा में अगर कौवा दिख गया इफ यू सी अ क्रो, तो आप खुशी के मारे कहना वो देखो कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस, राइट? इस तरह से कहना। देन कॉर्वस कॉर्वस स्प्लेंडेंस, सर हर कंट्री का अलग अलग है। हाँ बट नीड नॉट वरी, हम लोग दो तीन को ही देखेंगे, ओके, डू नॉट गेट पैनिक आउट, ठीक है। तो कॉर्वस स्प्लेंडेंस प्रोटेगेटर्स, ठीक है। तो वंस अगेन यहाँ पे कॉर्वस क्या हो गया, यहाँ पे कॉर्वस जो है ये जो है जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्प्लेंडेंस स्पीसीज को दिखा रहा है, और ये प्रोटेगेटर्स जो है ये सब स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कहाँ का क्रो कहलाएगा, ये कहलाएगा श्रीलंकन क्रो, ठीक है, श्रीलंकन क्रो। इट इज नॉट लाइक कि आप पाकिस्तान में जाओगे तो पाकिस्तान का क्रो अलग होगा। अगर उनमें कुछ यूनिक फीचर वैसा दिखा तो हम लोग उसको अलग करते हैं, ठीक है, उनमें कुछ एक यूनिक बात दिखना चाहिए माइनर सा, ठीक है, तब हम लोग उसको एक सेपरेट सब स्पीसीज में डाल देंगे। अदरवाइज जो कैरेक्टरिस्टिक अगर वो कोरिलेट कर रहा है उसी स्पीसीज ग्रुप के साथ, उसका नाम रिटेन रहा है। सर जैसे यहाँ का वेजिटेबल्स और कोरियन का देखिएगा, वेजिटेबल्स में बहुत डिफरेंसेस होता है, तो फिर उसका सब स्पीसीज नेम अलग होता होगा। हाँ बिल्कुल, उस केस में हम लोग सब स्पीसीज नहीं कहेंगे, मैंने क्या कहा सब स्पीसीज यूज करेंगे जूलॉजिस्ट वाले, उस केस में हम लोग यूज करेंगे वैरायटी, ठीक है ना, उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे वैरायटी, याद रखिएगा ये मिस्टेक होता है, राइट? तो उसमें आपको वैरायटी दिख जाएंगे ना। अब आ जाते हैं हम लोग अपना अलग टर्म, विच इज रेस। व्हाट इज रेस? दौड़ लगाने वाले को रेस कहते हैं इंग्लिश में, दैट इज अलग थिंग, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज द गेम। यहाँ पे रेस का मतलब अलग हो गया, बायोलॉजी में रेस का मतलब अलग है, ठीक है। रेस का मतलब क्या हुआ, इट फॉर्म्स अ परमानेंट ब्रीड, फॉर्म्स अ परमानेंट ब्रीड, ठीक है, इट फॉर्म्स अ परमानेंट ब्रीड। और जनरली ये जो है ना ये सिनोनिमस है सब स्पीशीज के साथ, ठीक है, ऑफन इसको रेस को सब स्पीशीज को इंटरचेंजेबली देखा गया, सिनोनिमस देखा गया है, ठीक है। सो इट इज सिनोनिमस टू सब स्पीशीज, और आप इसको कह सकते हो सिनोनिमस और सबऑर्डिनेट सब स्पीशीज के, इट इज सिनोनिमस और सबऑर्डिनेट टू सब स्पीशीज, फाइन। नाउ इसका अगर एग्जांपल अगर हम लोग कंसिडर करें तो क्या होगा, एग्जांपल में लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल, फाइन। एग्जांपल क्या हो जाएगा, ह्यूमन बिलोंग टू सब स्पीशीज होमो सेपियंस सेपियंस,
ठीक है। तो ये जो सेपियन है ये एक पर्टिकुलर रेस हो गया, अदर रेसेस और क्या हो सकता है, अदर सेवन रेसेस। तो अदर सेवन रेसेस क्या हो सकता है, नेग्रोइड, देन कॉकेसॉइड, मंगलॉइड, बुशमैन। ठीक है, तो ये सात अलग अलग रेस जो है ह्यूमन के केस में देखा गया है, ये सात अलग अलग रेस जो है ह्यूमन के केस में देखे गए हैं। फाइन, यहां तक तो क्लियर हो गया। तो रेस क्या है, ये परमानेंट ब्रीड है। रेस क्या है, वो एक परमानेंट ब्रीड है जो कि देखा गया है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और हम लोगों ने एग्जाम्पल कंसिडर किया किसके साथ, ह्यूमन बींग के साथ। तो ह्यूमन बींग करेंटली बिलोंग करता है सब स्पीशीज सेपियन, होमो सेपियन सेपियन। यहाँ होमो जो है वो जीनस को कंसिडर करता है, तो पहला सेपियन स्पीशीज को, और उसके बाद जो एक सेपियंस लग रहा है वो सब स्पीशीज को दिखाता है। ठीक है, देन अदर सात रेसेस क्या हो सकता है, नेग्रोइड, कॉकासॉइड, मंगलॉइड, ऑस्ट्रलॉइड, पॉलिनेशियन, रेड इंडियन, बुशमैन। अब आप जीनस, ओके, तो जीनस के बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं। सेकेंड इज जीनस, इसमें अगेन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज होगा। जीनस में अगेन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज होगा जिसमें एक या एक से ज्यादा कॉमन फीचर्स देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो जैसे कि रिलेटेड स्पीशीज, रिलेटेड स्पीशीज विथ वन और मोर कॉमन फीचर। फाइन, तो इसमें जो जीनस के अंदर कुछ ऐसे स्पीशीज दिख जाएंगे, एक हो या दो हो, और उनमें कुछ कॉमन फीचर्स रहेंगे। देन व्हाट नेक्स्ट, ऐसा एज्यूम किया जाता है, इट इज एज्यूम दैट ऑल स्पीशीज ऑफ अ जीनस हैव इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक कई तरह तरह के क्रो के बारे देखा, हम लोगों ने बर्मीज क्रो देखा, हम लोगों ने श्रीलंकन क्रो, इंडियन क्रो देखा, ठीक है ना। अब ये ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ये सभी क्रो का जो एंसेस्टर रहा है वो कहीं ना कहीं ये कोई कॉमन रहा होगा, वहीं से ये तीन अलग अलग सब स्पीशीज या हमें देखने को मिला है। जैसे कॉर्वस, स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस जो है इनका जो एंसेस्टर रहा होगा वो कोई कॉमन रहा होगा एज कंपेयर टू बाकी बर्मिस क्रो एंड श्रीलंकन क्रो के साथ, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। देन अगर हम इसका एग्जाम्पल दे तो क्या होगा, लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल, जैसे पैंथेरा जीनस, पैंथेरा इज अ जीनस, फाइन, और इसके अंदर क्या क्या स्पीशीज होगा, हैव स्पीशीज, कौन कौन सी स्पीशीज हो जाएंगे, एनी वन, एनी आइडिया, पैंथेरा जीनस के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज हो जाएंगे। तो पैंथेरा जीनस के अंदर पैंथेरा लियो हो जाएगा, ठीक है, पैंथेरा लियो का मतलब इट इज लायन, पैंथेरा लियो का मतलब क्या हो गया, लायन। और क्या हो जाएगा, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस का मतलब टाइगर, ठीक है। और क्या हो जाएगा, पैंथेरा ओंका, पैंथेरा ओंका का मतलब जैगुआर। तो जनरली ये जैगुआर के बारे अगर बॉयज लोग से पूछा जाए वो लोग सीधा बोलेगा जैगुआर कार के बारे में, तो ये वो कार नहीं है। यहाँ पे ये जो हम लोग कंसिडर कह रहे हैं ये जीनस को कह रहे हैं, ठीक है।
पैंथेरा ओंका मीन्स जैगुआर एंड पैंथेरा पार्डस यानी कि लियोपर्ड। ठीक है, तो एक पैंथेरा जीनस के अंदर कितने तरह के स्पीशीज हम लोग को दिख जाएंगे, और सभी में कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टर आपको दिख जाएंगे, सभी में कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम लोगों ने स्पीशीज देख लिया, हम लोगों ने जीनस भी देख लिया, अब हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे टू फैमिली। राइट, तो अगेन जैसे कि जीनस में दे हैड सर्टेन रिलेटेड स्पीशीज विथ वन और मोर कॉमन फीचर, ठीक उसी तरह फैमिली में भी कुछ जीनस होंगे विथ रिलेटेड टू वन और मोर कॉमन फीचर। सो कंटेन वन और मोर रिलेटेड जेनेरा। ठीक है, कंटेन वन और मोर रिलेटेड जेनेरा, और इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं, ऑल जेनेरा ऑफ फैमिली हैव कॉमन फीचर, उनमें कुछ ना कुछ एक कॉमन फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। यू कैन सी सम कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल द जेनेरा विद इन अ फैमिली। Is that clear? Now let us consider an example. Let us consider an example. जैसे कि अगर हम कहें the genera of cat, the genera of cat, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं फेलिस एंड लियोपर्ड। लियोपर्ड कौन से जेनेरा से आएंगे, पैंथरा। आर इंक्लूडेड इन द फैमिली फेलिडे। ठीक है, तो एक फैमिली के अंदर दो, एक दो या तीन जेनेरा हो सकता है। ठीक है ना, जैसे कि जेनेरा ऑफ कैट वो अलग जीनस है, जेनेरा ऑफ लेपर्ड ये अलग जीनस है, लेकिन इन दोनों को एक फैमिली के अंदर रखा गया है और उस फैमिली का नाम क्या है, फेलिडे। सो फार एनी डाउट? आज के क्लास के लिए इतना ही। टुडे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस स्पीशीज। स्पीशीज के अंदर हम लोगों ने सब स्पीशीज को देखा, हम लोगों ने कैटेगरीज को देखा, हम लोगों ने रैंक्स को भी देखा। देन फिर हम लोगों ने डिस्कस किया जीनस को, एंड जीनस के बाद हम लोगों ने फैमिली को देखा। ठीक है, और हम लोगों ने देखा कि कैसे जो स्पेसिफिसिटी है स्पीसीज के केस में इंक्रीजिंग था, फिर जैसे जैसे हम लोग जीनस में आए तो वो थोड़ा घटा, एक दो स्पेसिफिसिटी को हम लोग कंसिडर किए, फिर देन जब जीनस से आगे आए हम लोग फैमिलीज में आए, तो अगेन कुछ एक आध स्पेसिफिसिटी के आधार पे उन अलग अलग जीनस के एनिमल को, अलग अलग जेनेरा के एनिमल को हम लोगों ने एक फैमिली के अंदर रखा। तो आज हम लोगों ने ये चीजों को देखा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आई गेस आप लोगों को समझ आया है, अगर कोई डाउट रहा हो तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, टिल दैट टाइम हैव अ ग्रेट डे।